दीदी, हम खेती बाड़ी से जुड़ल ही हो और कई जगह में हम एसआरआई विधि से खेती करवा चुकी हो। इस बार हम नया तरीका से श्री विधि से खेती करके बताबो। ठीक हो दीदी, कर ले हम दूसरा दिन आबो और तुके अच्छा से बताबो। ठीक है भैया, बताए देवे आए के। जी एस एल पी एस का भैया के कब आवत है पूछे, तो ले मोबाइल से बात करिए। हाँ, जेस एल पी एस कर भैया बोलत थीन का। हम शंकर बोलत हियो बुंडुबेड़ा से। श्री विधि कर बताए के ले आओम कई रिस्क कैल। हाँ, याद हो हमके, हम बगल कर गांव में ही हो। आवत ही हो तोर जगह 10 मिनट में। जोहर जोहर। कल तो नर्सरी बेड ले बताए रहिन, आज विस्तार रूप से बतावे। हाँ, हम सब कुछ बताबो और नर्सरी बेड बना के भी तो इनके सिखाबो। चल तब हमार खेत हुए जाए के बढ़िया से बतावे हमके। ठीक, तब चल। श्री विधि से धान का खेती ले नर्सरी बेड बना के बहुत जरूरी है। इके वैज्ञानिक तरीका से बनाल जाइला, इकर में बीज का दूरी जगह बनाल जाइला, जेकर से पौधा स्वस्थ उगेला। 1 एकड़ जमीन ले 4 नर्सरी बेड बनाइला, 20 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 6 इंच ऊंचा बेड बनाइल हम। 1 नर्सरी बेड में आधा किलो बीज कर ही प्रयोग करीला। नर्सरी बेड बनाए के में का का चीज कर जरूरत पड़ेगा? 120 किलो गोबर, ढाके के लिए पुआल, 2 किलो उपचारित चिग्याल बीज और लंबाई चौड़ाई नापे ले टेप। चल तब अब नर्सरी बेड विस्तार से बतावन और बना के दिखावन। हाँ भैया, ये तो जोताई करके तैयार है, अब इकर में कैसन करे के है से के बताए के। सबसे पहले इकर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नापबे। देख भैया, ई हो बेड कर चौड़ाई, जेकर चौड़ाई होना चाहिए 4 फीट। हाँ देख भाई, पहले तो 10 फीट ले ही, अब ई और 10 फीट लेवत ही हो गेलो इकर लंबाई 20 फीट। इके बेड कर चारों तरफ 1.5 फीट कर नाली बनाबे। ये देख दादा, अब 6 इंच ऊंचा बेड बना लेती। सबसे पहले गोबर के छिड़काव करबे चारों बेड में, 500-500 ग्राम करके अंकुरित बीज के बांटबे। अभिन हम इन नर्सरी बेड बना के देख ली और इके सीख ली। इस इकर से पौधा वृद्धि अच्छा होवेला और स्वस्थ एवं रोग मुक्त पौधा उगेला। सबके जोहार। धान की अच्छी उपज पाने के लिए जरूरी है कि हम स्वस्थ पौधों की रोपाई करें और इसके लिए अच्छे तरीके से इसकी नर्सरी लगाना बहुत जरूरी है।